नमस्कार दोस्तों, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे बैकग्राउंड में कुछ दिख रहा है टेंपल सा, और फिलहाल हम हैं रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में। और मैं पिछले दो दिनों से यहीं पे व्यस्त हूँ और सब काम कर रहा हूँ और ड्यूटी कर रहा हूँ। तो पहले दिन का मैंने वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, आज दूसरा दिन है। तो आज भी मैं सोच रहा हूँ कुछ हल्का फुल्का शूट करूँगा और उसे मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूँगा, ताकि आपको पता चले कि इनकेस वाराणसी रुद्राज कन्वेंशन में कैसे क्या चीज़ें होती है और कौन से सम्मेलन होते हैं, कौन सा इवेंट होता है। तो ये सब वीडियो में आपको यही सब देखने को मिलेगा। बाकी चलिए मैं अंदर चलता हूँ और आपको एक डिटेल में वीडियो बनाऊँगा और दिखाऊँगा कि क्या चीज़ें हैं। क्योंकि देखिए, ये एक तरह से देखा जाए तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है और हर कोई यहाँ नहीं आ सकता। ये पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, इसके सिवाय आप अंदर घुस नहीं सकते हैं। तो जो अंदर की इन्फॉर्मेशन है वो कभी किसी को नहीं मिल पाती कि क्या चलता है। जो काशीवासी है उनको भी खैर नहीं पता चलता, तो मेरे वीडियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको पता चल जाएगा कि काशी में कैसे कैसे इवेंट और क्या क्या चीज़ें होती है। तो चलिए मैं बैक कैमरे पे चलता हूँ और को एक ओवरऑल व्यू देता हूँ कि क्या चीज़ें चल रही है। हम बैक कैमरे में जैसा आप देख सकते हैं यहाँ की फ्रंट व्यू, यहाँ पे जो बैठे हुए लोग ये ड्राइवर्स लोग हैं जो अपनी गाड़ियाँ लेके आए हुए हैं। यहाँ पे पार्किंग है बेसमेंट में, उसका मैंने वीडियो बना रखा है, मेरे यूट्यूब पे है। तो यहाँ की पार्किंग की बात की जाए तो यहाँ की पार्किंग आपकी प्राइवेट भी है, जो कि बनारस की गाड़ियाँ होती है प्राइवेट नंबर, वो यहाँ पे खड़ी होती है। तो कुछ ऐसा है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मशीन रखी हुई है जिसको यहाँ की साफ़ सफाई करने में आसानी होती है, क्योंकि मैन पावर अब ख़त्म हो रहा है, अब मशीनें आ रही है क्योंकि नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं, और ये VIP एंट्रेंस गेट है और यहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं। ओवरऑल व्यू अंदर जाते कुछ ऐसा दिखेगा आपको। काशी वाले उन्होंने बोला था कि बात हुई है हमारे हिसाब से, तो यही कुछ है आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जितने आपको कैमरामैन देख सकते हैं। यहाँ पे कार है संजय, ये पुणे से आए हुए हैं, और कुछ ओवरऑल व्यू। ये ऊपर स्टेयर देख रहे हैं आप, हम लोग चलेंगे ऊपर की तरफ जहाँ पे हॉल है। सबसे पहले चलते हैं, चाय पीते हैं, फिर ऊपर चलेंगे दोस्तों। थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आ गया। तो दोस्तों लंच में देख लीजिए, लंच की तैयारी चल रही है यहाँ पे। मैं आपको फुल ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ कि एक इवेंट होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, जिसमें फूडिंग होता है, लॉजिंग होती है, बहुत कुछ चीज़ें होती है। We are here to you in every way possible. कि कल जब भागवत जी ने हमसे कहा था कि all of us should connect and all of us should interconnect, तो वो करने के लिए तो कह दिया गया okay all of us should connect, but how will we connect each other? And so therefore one of the first things that we would like to share with you is a simple case study of Sri Amarnath Temple. Amarnath Temple जो अभी हुआ था when COVID struck, और उस समय पर you know nobody was allowed to leave our houses, we could not leave, and at that time the Amarnath Yatra was supposed to start, but Yatra cannot shut down. So Sri Amarnath Shrine Board people reached out to us. I do remember the calls that came to me in the middle of the night, and the CEO of the temple saying that we cannot shut down the Yatra, but nobody will be allowed inside. So what do we do? So, and we have never been there ourselves. I mean, we have.